Let's do question number third of exercise 5A, that is arithmetic progression. Question number third is find the 37th term of the AP. हमें 37th term निकालनी है AP की, जो की है 6, 7 whole 3 upon 4, 9 whole 1 upon 2, 11 whole 1 upon 4. चलिए करते हैं आगे की. हमें 35th term निकालनी है, तो first part हमारा दे रखा है 6, 7 whole 3 upon 4, 9 whole 1 upon 2 and 11 whole 1 upon 4. ये AP दे रखी है हमारी, हमें इसकी 37th term निकालनी है. तो that means T37 निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, हमारा formula होता है A plus N minus 1 into D. अब A क्या है हमारा, A है हमारा first term. First term कितनी है, 6. और D कितना आया हमारा, D आया, हमें इस वैल्यू में से ये माइनस करना है. तो हमने लिखा 7 होल 3 अपॉन 4 में से हमें 6 माइनस करना है. तो कैसे करेंगे, पहले मिक्स टर्म को सॉल्व कर लेते हैं. तो 4 7 28 29 30 31, हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसे ऐड करते हैं, तो ये आ गई 31 अपॉन 4 माइनस 6. अब एलसीएम लेंगे तो ये कितना आया, 4 आया नीचे एलसीएम, 31 माइनस 6 इंटू 4, तो ये आ गया 31 माइनस 24 अपॉन 4, दैट इज हमारा आ गया 7 अपॉन 4. हमारा कॉमन डिफरेंस पता चल गया. तो ए आ गया 6 प्लस एन आया 37 माइनस 1, एन वही होता है जो सी वैल्यू हमें निकालनी होती है, इंटू डी, डी आया हमारा 7 अपॉन 4. तो चलिए करते हैं, 6 प्लस ये आया 36 इंटू 7 अपॉन 4. अब देखिए 4 9 36, तो ये कितना आ गया, 7 9 63, तो 63 में से 6 ऐड हुआ तो ये कितना आ गया 69. तो हमारी 37th टर्म कितनी आएगी, 69 इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी. हमें 25th टर्म निकालनी है एपी की, जो कि है 5, 4 होल 1 अपॉन 2, 4, 3 होल 1 अपॉन 2, 3. तो चलिए करते हैं सेकेंड पार्ट. हमें 25th टर्म निकालनी थी एपी की, एपी थी हमारी 5, 4 होल 1 अपॉन 2, 4, 3 होल 1 अपॉन 2 एंड 3, ये थी. और हमें 25th टर्म निकालनी थी, तो दैट मीन्स T25 निकालना है हमें. तो ये कितना आ गया, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. तो A क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, 5. फर्स्ट वैल्यू जो लिखी हुई होती है दैट इज कॉल्ड AP. इंट्रो ज़रूर देखें, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इंट्रो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें. अब डी क्या हुआ, डी क्या हुआ, डी हुआ हमारा, हमें इस वैल्यू में से इसे माइनस करना है. तो 4 होल 1 अपॉन 2 में से हमें 5 माइनस करना है. ये क्या आ गया, 2 4 8 प्लस 1 9, 9 अपॉन 2 माइनस 5. एलसीएम लिया तो ये कितना आ गया, 2 9 माइनस 5 इंटू 2, दैट मीन्स 9 माइनस 10, 5 2 10 अपॉन 2, तो ये आ गया -1/2 आ गया डी. तो ए आया हमारा 5 प्लस एन माइनस 1, दैट मीन्स 25 माइनस 1, और डी आया हमारा -1/2, तो ये कितना आ जाएगा, 5 प्लस 24 बचा इंटू माइनस का 1/2. अब 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये कितना आ गया, 5. अगर आप देखेंगे प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 12 1s are 12, तो ये कितना आ गया, माइनस का 12 प्लस का 5 इज -7 इज द आंसर.